स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू ईवी सब्जेक्ट ऑफ क्लास थर्ड, दैट इज़ एयर अराउंड अस। आज मैं आप लोग को क्लास थर्ड ईवी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, जो कि हमारे चैप्टर नेम है एयर अराउंड अस। अब सबको पता है कि एयर अराउंड अस में इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि एयर किस तरह से होती है, एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एयर का इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, और इसमें हम पॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एयर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन्स लाइफ। सबको पता है कि एयर जो है, हवा जो है, वो बहुत ज़रूरी है सबकी लाइफ में। अगर हवा नहीं रहेगी तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं। अगर हवा ही नहीं रहेगी तो हम ऑक्सीजन, मतलब हम सांस, जो ब्रीथिंग है, सांस है, वो कैसे ले पाएंगे? इसलिए एयर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। एयर हमारी लाइफ के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऑल ऑफ अस लिव ऑन अर्थ, दिस ब्यूटीफुल प्लानेट इज मेड अप ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। अब सबको पता हम कहाँ पर रहते हैं, हम कौन से प्लानेट में रहते हैं, वी लिव ऑन अर्थ। हम कहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं। तो जो अर्थ है वो किस किस से मिलकर बना है, हवा, पानी और ज़मीन से। एक अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट है जिसमें कि मनुष्य रह सकता है, क्योंकि जो इंसान है उसके लिए हवा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी भी बहुत ज़रूरी है, और रहने के लिए ज़मीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो काय से मिलकर बनी है, एयर से मिलकर बनी है, वाटर से मिलकर बनी है, और लैंड से मिलकर बनी है। ठीक है, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोसफियर। एटमोसफियर क्या होता है, पृथ्वी के आसपास जितनी भी पूरी पृथ्वी में पूरी क्या है, हवा है। तो जो हवा है पृथ्वी में, उसके हमने क्या बोला है, एटमोसफियर, मतलब कि जो अर्थ के सराउंडिंग में, जो अर्थ के आसपास जितनी भी हवाओं की लेयर है, उसको क्या बोला है हमने, एटमोसफियर। एटमोसफियर मतलब कि हमारे आसपास का सराउंडिंग एरिया, हमारे आसपास का एरिया, तो उस पर हमको क्या बोला है, एटमोसफियर। तो आप लोग को समझ में आया कि अगर आपसे कोई पूछे कि एयर क्यों इम्पॉर्टेंट है, एयर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एयर, विद द हेल्प ऑफ एयर ओनली वी कैन लिव। एयर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इंसान जीवित रह सकता है। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ एयर ओनली वी आर एबल टू टेक ब्रीथ। एयर की मदद से हम क्या है, सांस ले सकते हैं। और जो अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट है जिसमें कि मनुष्य रह सकता है, अर्थ इज़ ओनली प्लानेट इन विच द लिविंग बींग्स, मतलब कि ह्यूमन बींग्स कैन लिव इजीली, बिकॉज इन द अर्थ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट है जो कि तीन चीज़ों से मिलकर बना, हवा, पानी और ज़मीन से। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एयर के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ एयर मतलब कि हवा किस तरह से बनी। अगर हम उसका अपनी जनरल लैंग्वेज में समझें तो वो कैसे, हवा किस तरह से बनी। तो हम इस पिक्चर में भी, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हमारी पृथ्वी किस किस से मिलकर बनी, एयर से मिलकर बनी, वाटर से मिलकर बनी और लैंड से मिलकर बनी, उसी तरह से जो एयर है वो किस किस से मिलकर बनी, गैस से मिलकर बनी है। किस किस से मिलकर बनी, गैस से मिलकर बनी है। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और क्या हो गया हमारा, सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या हो गई हमारी गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग। सबको पता है कि हम सांस किससे लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और क्या छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो सांस लेने के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन से क्या लेते हैं, हम सांस लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, हम
छोड़ते हैं। विदाउट ऑक्सीजन लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल। बिना ऑक्सीजन का दुनिया में रहना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मतलब हमें सांस नहीं मिलेगी, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसलिए ऑक्सीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। इन दिस प्रोसेस दे गिव आउट ऑक्सीजन। अब देखो, हम मनुष्य क्या करते हैं, हम इंसान क्या कर सकते हैं, जैसे ये साइकिल आप इस स्मार्ट बोर्ड पे भी देख सकते हैं, हम मनुष्य क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। जो हमारे अंदर जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं वो क्या है, सॉरी, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। मनुष्य क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, छोड़ता है। पर जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। क्योंकि प्लांट इज ऑल्सो लिविंग बींग्स। प्लांट्स क्या है, लिविंग थिंग्स है। प्लांट्स भी कैसे हैं, लिविंग थिंग्स हैं। उनको भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत रहती है। इसलिए हमारे इसमें क्या होता है, वी ह्यूमंस टेक ऑक्सीजन एंड वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पर जबकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बिकॉज दे मेक फूड। वो क्या बनाते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो अभी तक आपको आया समझ में फॉर्मेशन ऑफ एयर? अंडरस्टूड दिस मच? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अभी तक हमने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ एयर देखा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर मतलब कि एयर की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, एयर में ऐसे क्या स्पेशलिटी हो सकती है, या फिर उसमें ऐसे क्या गुण हो सकते हैं। तो जैसे कि ये वाला पिक्चर आप देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर का, एयर हैज़ थ्री मैन प्रॉपर्टीज। एयर में यूजुअली हम देखें, अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसकी तीन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एयर क्या कर रही है, वो स्पेस को क्या कर रही है, घेर रही है। जैसे कि ये एक आप देख लो, एक राउंड शेप का कुछ मटेरियल, एक थिंग है, तो वो क्या कर रही है, जब इसमें हमने हवा भरी तो क्या कर रही है, एक स्पेस कवर कर रही है ना। जैसे बॉल है, अगर आप ऐसी कोई सी बॉल लो और उसमें आप देखोगे फुली, जैसे कि पहले जब आप छोटे रहे होगे तो एक हवा वाली बॉल आती थी बहुत बड़ी की, बड़ी वाली, तो उसमें क्या रहती थी, हवा रहती थी। तो उस पूरे राउंड में, उस पूरे सर्कल में क्या भरी हुई रहती थी, हवा। तो हवा भी क्या करती है, स्पेस को मतलब कि जगह को क्या करती है, घेरती है, ठीक है। एयर गिव शेप टू द ऑब्जेक्ट इन विच इट इज़ फिल्ड। एयर भी क्या करती है, शेप देती है ऑब्जेक्ट को, जिसमें भी हम एयर को क्या करते हैं, फिल करते हैं। अब जैसे कि बलून, जब बलून हम फुगाते हैं, तो बलून को जब हम फुगाते, जब बलून को हम फुगाते तो कैसा शेप कर लेता, बड़ा शेप कर लेता है। पर जब हम उसमें हवा नहीं भरते हैं, मतलब कि जैसे हम शॉप पे से ख़रीद के लेकर आए बलून, तो वो क्या बड़ा रहता है, नहीं, छोटा रहता है। जैसे हम उसको फुलाते हैं तो उसमें क्या जाती है, एयर जाती है, तो उसका क्या होता है, शेप और साइज़ क्या हो जाता है उस चीज़ का, उस बलून का क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो एयर गिव्स शेप टू द ऑब्जेक्ट इन विच इट इज़ फिल्ड। एयर हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल। हवा का कोई भी कलर नहीं होता है, ना उसका कोई टेस्ट होता है, ना ही उसकी कोई स्मेल होती है, ठीक है। आया आप लोग को समझ में प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में? प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में अभी तक हमने देखा, एयर टेक्स स्पेस, एयर क्या करती है, जगह को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है, मतलब कि लेती है, घेरती है एयर को, जिस जो भी एयर गिव शेप टू द ऑब्जेक्ट विच इन विच इट इज़ फिल्ड। जो भी ऑब्जेक्ट रहता है जिसमें हम हवा को भरते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसका शेप और साइज बदल जाता है। जैसे कि आपकी साइकिल में भी, जैसे वो टायर रहता है, कभी पंचर हो जाता है तो कैसे हो जाता है, वो पिचक जाता है। पर जैसे हम उसमें हवा भरते हैं तो क्या हो जाता है, फूल जाता है, मतलब कि उसका शेप कैसा हो जाता है, बदल जाता है। एयर का कोई भी कलर और टेस्ट और स्मेल नहीं रहता है, ठीक है। एयर हैज़ नो टेस्ट, कलर और स्मेल। अब जैसे इसमें लिखा है, एयर हैज़ प्रेशर।
एयर हैज़ प्रेशर। अब आप देखोगे एयर में कैसे प्रेशर हो सकता है, मतलब कि वो भारी कैसे हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको टायर का एग्जांपल बताया, तो जब वो उसमें से हवा निकल जाती तो कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है, और जैसे हम उसमें हवा भर देते तो क्या हो जाता, भारी हो जाता है। इसलिए क्या बोला, एयर ऑल्सो हैज़ प्रेशर। थिंग्स दैट फ्लाई इन एयर, एयर की मदद से कुछ जानवर होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उड़ती है। जैसे कि हमने देखा होगा विद द हेल्प ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ओनली बर्ड्स कैन फ्लाई, जो हवा रहती है उसकी प्रेजेंस में जो पक्षी रहते हैं उड़ पाते हैं। अगर जैसे कि आपने कपड़े सुखाए हैं, गीले हैं और सुखाना है, तो विद द हेल्प ऑफ एयर ओनली वी कैन ड्राई अवर क्लॉथ्स, हवा की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं। ठीक है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो हवा चलती है, जैसे ठंडी ठंडी हवा जो चलती उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। तो अगर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में आप देखे जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेनली देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज ओनली। पहली है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर भी क्या करती है, हवा भी क्या करती है, जगह को क्या करती, घेरती है। दूसरा है एयर जो रहता है, अगर किसी भी चीज़ में हम एयर को भरे, हवा को भरते, उसका शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और एयर में कोई टेस्ट, स्मेल और कलर नहीं होता है। ठीक है, अंडरस्टूड दिस मच, दिस थ्री पॉइंट्स, फॉर्मेशन ऑफ एयर, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड एटमोसफियर। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट ऑफ एयर। मूवमेंट ऑफ एयर मतलब कि हवा भी जो है घूमती होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया अभी, मूविंग ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, हवा जिस तरह से चलती है, इधर से उधर घूमती है, जैसे हम जैसे कभी हम घूमते हैं, रात में घूमते हैं, दिन में भी अगर आप देखो तो आपको कभी हवा लगती होगी ठंडी ठंडी, तो उसको क्या बोलते हैं, हम विंड बोलते हैं। मूविंग ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। द हीट ऑफ द सन कॉजेज विंड टू ब्लो, व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीज। जो एकदम बहुत धीरे धीरे जो हवा चलती है, बहुत आराम से जो हवा चलती है, जो बहुत हमें बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि गर्मी के दिनों में अगर बहुत अच्छी हवा चल रही है, जैसे कभी हम नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, जो बहुत सॉफ्टली चल रही, बहुत आराम से चल रही, तो उसका हम क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं, BREEZE, ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, पर ऐसे भी कुछ हवा होती है, व्हेन द विंड ब्लोस स्ट्रांगली इट इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्म। ऐसी हवा जो बहुत तेज चलती है, आंधी तूफान सब कुछ आ जाता है, जिसमें घर नष्ट हो जाते हैं, प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है, सब कुछ तहस महस हो जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में भी, अभी जब लॉकडाउन था तो बॉम्बे में एक बहुत तेज़ स्टॉर्म आया था, तो उसमें क्या हुआ था, समुद्र के इलाके में जित समुद्र के पास जितने भी घर थे उन सब घरों को क्या करवा दिया था, खाली करवा दिया था। और जब वो स्टॉर्म आया था तो बहुत तेज़ आंधी तूफान चलने लगी थी, तो क्या हो गया था, कुछ घर भी क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे, जिनके कुछ सामान बाहर रखे थे वो भी इधर से उधर हो गए थे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पेड़ हिल रहा है, बादल गरज रहे हैं, घर जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, जो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं वो उखड़ जाते हैं। मतलब कि जब बहुत तेज़ आंधी आती है तो उसका हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं, STORM। अ स्टॉर्म अपरूट्स ट्रीज, डैमेज प्लांट्स, ब्रेक विंडोज, फैंस एंड ब्लोज आउट ऑफ द रूफ ऑफ हट्स। तो मूवमेंट ऑफ एयर में तीन तरह के हमने पढ़े मूवमेंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट वी डिस्कस थ्री टाइप्स ऑफ एयर। पहले हमने विंड डिस्कस करा, देन वी डिस्कस ब्रीज, देन वी डिस्कस स्टॉर्म। विंड मतलब कि हवा का चलना, वो क्या होता है, विंड होता है। और ब्रीज क्या होता है, जब बहुत प्यारी हवा चलती, बहुत अच्छी हवा चलती, ठंडी ठंडी हवा चलती, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं। और थर्ड वन क्या होता है, स्टॉर्म, जो जिसमें कि बहुत तेज़ आंधी तूफान आते हैं, जिसमें कि पेड़ डैमेज हो जाते हैं, घर डैमेज हो जाता है, विंडोज़ टूट जाते हैं, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तो उसका हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं। तो टुडे व्हाट वी डिस्कस अबाउट द एयर अराउंड अस। आज हमने क्या डिस्कस करा, द एयर अराउंड अस। एयर अराउंड अस में हमने क्या डिस्कस करा कि जो एयर, जो हमारा अर्थ है, अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट है जिसमें कि क्या है, किससे मिलकर बना है, एयर, वाटर और लैंड से मिलकर बना है, हवा, पानी और ज़मीन से मिलकर बना है। लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के आसपास जितनी भी एयर की एयर का लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमोसफियर बोलते हैं। फिर हमने डिस्कस करा
फॉर्मेशन ऑफ एयर, जिस तरह से पृथ्वी तीन चीज़ों से मिलकर बनी उसी तरह से एयर भी किससे मिलकर बनी, तीन चीज़ों से मिलकर बनी है, मतलब कि गैस से मिलकर बनी है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो क्या करते हैं, खुद का खाना बनाते, दे मेक देयर ऑन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में हमने डिस्कस करा, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर स्पेस को घेरता है। एयर जो रहता है, इट चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द एयर इज फिल्ड एंड एयर हैज़ नो कलर एंड टेस्ट एंड स्मेल। एयर में कोई कलर टेस्ट स्मेल नहीं होता है और वो शेप और साइज को क्या करता है, चेंज करता है। देन वी डिस्कस अबाउट द मूवमेंट ऑफ एयर, थ्री टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ एयर देर आर, एक था विंड, एक था ब्रीज और था स्टॉर्म। इन नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ एयर एंड एयर पॉल्यूशन। थैंक यू। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन? वीडियो